Hello, you beautiful people. Mara naam Chasmati Pai. Welcome to my world, everyone. Where we play games, we chill, we have fun together, and finally, I'm back with some more Shark Survival, everybody. And अगर तुम्हें नहीं पता Shark Survival क्या है, ये एक बहुत ही fun survival series है जहाँ हम लोगों को कुछ islands के ऊपर survive करना है. And of course, the twist, everybody. हम लोग पानी के बीच कदम नहीं रख सकते हैं, because पानी के बीच कुछ खतरनाक, खूंखार sharks हमारा इंतजार कर रही है, जो कि हमें कच्चा चबाने के लिए एकदम तैयार है. So last episode में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा fun किया था. मैंने कुछ islands को explore किया था. मुझे मिला था एक बहुत ही बड़ा village. And the main thing, everyone, मुझे मिला था एक बहुत ही बड़ा volcano. And इस volcano के अंदर एक बहुत ही बड़ा राज दफन है. And आज लोग सबसे पहले उसी राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं. तो गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या मैं इस राज के ऊपर से पर्दा उठा पाऊंगा? अगर लगता है कि मैं इस राज के ऊपर से पर्दा उठा पाऊंगा, देन लाइक द वीडियो. अगर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, देन सब्सक्राइब. कुछ ना कुछ तुम लोगों को करना पड़ेगा, ये मेरी इकलौती डिमांड है तुम लोगों से. सो ऑफलाइन जाकर मैंने यहाँ पर छोटे मोटे काम कर दिए हैं, जैसे कि पिकेक्स बनाना, एंड इसके अलावा कुछ आयरन ओर को स्मेल्ट करना, एंड 6 आयरन इंगट मेरे पास यहाँ पर बन चुके हैं. सो अगर तुम लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो वॉल्केनो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और मैं यहाँ पर हर कहीं खोदना स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे सदियां लग जाएगी ऐसे करके उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए. सो ऐसा करते हैं, जो यहाँ पर मैनुअल थी ना हमारी, ये वाली डेडली ट्रेजर बाय पिराटा ओरिजिनल, पहले इसको जरा हम लोग ढंग से पढ़ते हैं एक बार. अ ट्रेजर इज सेड टू बी हिडन बाय द ओल्ड माइटी पायरेट हु यूज्ड टू रूल द आइलैंड्स ऑफ वकानवा फाउंड ऑन टॉप ऑफ द वोल्केनो इज व्हाट यू शैल सीक. यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वोल्केनो के टॉप में हमें ये चीज मिलने वाली है. बट एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पीपल हु सीक ट्रेजर मे सीक डेंजर लुक बिहाइंड यू. सो भैया, हम लोगों को एक वार्निंग भी यहाँ पर दे के रखी हुई है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रेजर को खोजने के लिए जाएंगे ना, तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. बट हम लोग कोई डरने वाले बंदोबस्त से थोड़ी है, हम लोग है माइनक्राफ्ट प्रो. यस, एंड अब एक चीज यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि ट्रेजर तो हम लोगों को यहाँ से ऊपर ही मिलने वाला है. भैया, मैं बनाने वाले परफेक्ट स्टेयरकेस यहाँ से ऊपर पहुंचने के लिए, बिकॉज मुझे बार बार घूम घूम कर जाना पड़ता है. ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वोल्केनो के टॉप में. अब मुझे ना आसपास यहाँ पर पहले तो खोदना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि इस वोल्केनो के यहाँ साइड में कहीं पर ये वाला हमको ट्रेजर मिल जाए. बट आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बस वोल्केनो के बीच में ना गिर के मर जाइयो. ओ यार, एक सेकंड, मैं एक काम तो करना भूल ही गया. इतनी आसानी से मुझे मिलने वाला नहीं है ये. ऐसा करते एक बार नीचे चलते हैं. भाई साहब, मैं तभी तो यहाँ पर आयरन को स्मेल्ट करके लेकर आया था, बिकॉज मुझे इससे बनानी थी यहाँ पर एक बकेट. ऐसा करते हैं, बकेट को लेकर चलते हैं ऊपर पानी भर के. ओके, तो मैं पानी की बकेट लेकर तो आ चुका हूँ ना, बट अब मैं पानी की बकेट डायरेक्ट यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर बन जाएंगे ऑब्सीडियंस, है ना. एंड ऑब्सीडियंस फिर मैं खोद नहीं पाऊंगा यहाँ पे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो लावा यहाँ पर एक ब्लॉक का तो होगा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गहरा हो सकता है यहाँ पर. एक सेकंड, तो भाई मैं ये पानी की बकेट लेकर कहीं के लिए आया यहाँ पर, जब मुझे डालनी है नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑब्सीडियंस बन जाएंगे, ये डर है मुझे यहाँ पे, है ना. क्या मुझे इस पूरे के पूरे वोल्केनो को खोदना पड़ेगा? अबे, ये वॉन्डरिंग ट्रेडर यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, I have an idea, everybody. ये ट्रेजर मुझे इतनी आसानी के साथ तो मिलने वाला है नहीं है. तो लेट्स डू वन थिंग, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता ही देता हूँ ना कि भैया ये शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक है. मैं क्या करने वाला हूँ, इस बंदे को मैं धक्का दे के इस शार्क के पास भेजने वाला हूँ नीचे, इंक्लूडिंग हिज लामास. थोड़ा फन किया जाए, है ना. ओए, भाग रही है क्या? बेवकूफ सी शार्क है, तेरे लिए मैंने यहाँ पर खाने का जुगाड़ किया है, तू भाग रही है. चल वापस आ शार्की, वापस आ. Come on, don't just run away. Oh my God, नीचे क्या है ये? ये पायरेट के शिप है. Oh भाई साहब, are you serious? ये तो बहुत ही epic चीज़ है. ठीक है, मैं यहाँ पर वापस आऊँगा. But first मैं उस shark को ढूँढना चाहता हूँ. And वो ऐसे गायब हो चुकी है. अभी क्या येड़ी shark है ये? तू जा, निकल यहाँ से. मैं इसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आ रहा हूँ, ये मेरी बेइज्जती करा रही है, हद है यार. तो वीडियो लोग, तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है भाई. Alright guys. तो मैंने क्या किया हुआ है कि इन लामास को और इस वंडरिंग ट्रेडर को यहाँ पर फंसा दिया है. नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर कोई शार्क आएगी ना, तो मैं इसको धकेल दूंगा उसके मुंह में. ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक खुदाई करने के लिए. मुझे लग रहा है भाई ये जो खजाना है इतनी आसानी से तो मुझे नहीं मिलने वाला है. मेरे को लग रहा है मुझे पूरा का पूरा वोल्केनो भी खोदना पड़ सकता है यहाँ पर. ओ वेट अ सेकंड, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है. जो इस लावा का सोर्स है ना गाइस, अगर मैं उसी को बंद कर दूं ना लाइक दिस, तो ये यहाँ से गायब हो सकता है शायद से. I don't know, बट मैं एक बार यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ ऐसे करके. हर जगह पर मैं ये कवर स्टोन्स लगाने वाला हूँ, एंड अब मैं इनको खोदूंगा तो शायद ये लावा गायब हो जाएगा. नहीं हुआ, मैं तो बड़ा भाई मैं एक सेकंड के लिए बड़ा खुश हो गया था यार. गाइस, आई थिंक वो चेस्ट है, नॉट इवन जोकिंग. अगर ये चेस्ट होगी ना भाई साहब, मजे पड़ जाए. ये चेस्ट है, यस. मैं तुम लोगों को क्या बोला था भाई, आज तो मैं इस ट्रेजर को ढूंढ के रहूंगा, बट अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज लावा अभी भी फैला हुआ है. सी, नीचे भी लावा ही लावा है. मुझे ऑलरेडी ये मिल चुका है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस नीचे वाली लेयर को भी लावा की खत्म करना चाहूंगा पहले. गाइस, क्या हो सकता है इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर? आई होप कि इसके अंदर कुछ अच्छा ही हो,
बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मुझे बहुत टाइम हो चुका है रिकॉर्ड करते करते, तुम लोगों का भी आइडिया भी नहीं है। लेट्स सी गाइस, कितने सारे डायमंड्स है भाई इसके अंदर, मुझे अपनी आंखों पे गाइस बिलीव भी नहीं हो रहा है, इतने सारे डायमंड्स एक जगह पर मैंने कभी भी नहीं देखे हैं। ओके कितने हो सकते हैं गाइस, लेट्स सी, 33 डायमंड्स, नॉट इवन 33, 38 डायमंड्स। गाइस अगर मैं सही मायने में तुम लोगों को बताऊं तो ये होता है ट्रेजर एक्चुअली। वन मोर थिंग गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन दबा के, बिकॉज जैसे ही तुम लोग बेल आइकन दबाओगे तुम लोग पाइक गैंग का हिस्सा बन जाओगे एंड हमारी गैंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जरूर से बेल आइकन दबाना बिकॉज हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के, तो जल्द से जल्द पहुंचा दो यार। एंड गाइस अब मैं ऐसे खुशी खुशी नीचे जा सकता हूँ। लेट्स डू वन थिंग गाइस, ओह माय गॉड नीचे क्रीपर घूम रहा है, नीचे क्रीपर बच्चों घूम रहा है। नहीं यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है क्रीपर, तू कूद रहे यार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके पे स्पॉन होने की। इसको मैं चुपचाप से यहाँ से पहले मार के भगा देता हूँ। चल निकल 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 निकल, ऊपर ना आई तू पानी के बीच फट जा, कोई चक्कर नहीं है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है, यू आर नॉट अलाउड हियर, ओके निकल, तेरी ऐसी की तैसी अभी भी सेफ है, निकल। ओए ये स्केलेटन पानी के नीचे क्या कर रहा है, आर यू सीरियस, तू पानी के नीचे एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। और देखो भाई इसको तीर मारने की कोशिश कर रहा है पानी के नीचे बच्चे। ओए उसे मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा लुटेरा हूँ, इतना बड़ा खजाना लूटा है मैंने और तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मारेगा बदसूरत, निकल और कात याद दिला दूंगा समझा, मेरे साथ पंगे लेगा तो। ऑलराइट गाइस एक डायमंड ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल 39 डायमंड्स हो चुके हैं मेरे पास। हाउ एपिक इज दिस गाइस जस्ट टेल मी। एंड जस्ट मुझे अभी अभी नीचे एक पायरेट की शिप भी मिली है ना, वहां पर भी मैं जा सकता हूँ उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यस ऐसा करते हैं अभी उस एक सेकंड यार, मुझे एक और पायरेट की शिप दिख रही है क्या, वो एक और पायरेट की शिप है वहाँ पर, एंड आई थिंक यहाँ पर भी पायरेट की शिप है भाई, 3-4 शिप दिख चुके हैं मेरे को, जाना तो पड़ेगा भाई इनको एक्सप्लोर करने के लिए। ओ यस वहाँ पर भी एक और शिप है भाई, इस पूरे के पूरे इलाके पे इतनी सारी शिप्स है ना, सी वहाँ पर भी एक शिप है, मुझे कम से कम 5 शिप्स तो अभी तक दिख ही चुकी है, इनको एक्सप्लोर करने के लिए भैया जाना पड़ेगा अभी और इसी वक्त मेरे को। पिछले एपिसोड में मैंने शार्क को ऐसे बाहर निकाला था ना पानी से, अभी तक ये बेचारी बाहर ही है, क्या करेगी क्या करेगी शार्की, जब तक तू यहाँ से पानी के अंदर नहीं जाएगी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अभी तेरे सामने मैं बहुत ज्यादा ओपी हूँ, ओवर पावर्ड एंड यू आर अंडर पावर्ड, ओके क्या करेगी चल बता। ओए तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है, चुपचाप दबे पांव निकलता हूँ पीछे के लिए इससे पहले कि मेरे चीथड़े उड़ा दे। एंड मैं तुम लोगों को बोल रहा था गाइस मुझे यहाँ पर एक ब्रूइंग स्टैंड वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा क्लैरिक, ओके बिकॉज मुझे कुछ यहाँ पर पोशंस वगैरह बनाने पड़ेंगे एंड देन मैं नीचे एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाला हूँ। वो क्लैरिक मुंह के सामने भाई, वाओ यार इसका मतलब है इसकी जो ब्रूइंग स्टैंड है वो, यस ब्रूइंग स्टैंड ही मुझे मिल गई है। छोटू बिल्लू वो कितने क्यूट है, छोटू बिल्लू देखो है ना छोटू, मैंने फर्स्ट टाइम पे छोटू बिल्लू देखी है। आजा छोटू, आजा छोटू, तेरे को मैं रॉक ऑर्ड खिलाता हूँ। ये अबे यार खा के भाग गई और मेरे पास एक ही रॉक ऑर्ड थी यहाँ पर, गद्दार कहीं की। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट बनने वाला है अंडर वाटर ब्रीदिंग का पोशन। ओके लैंड शार्क आई एम गोइंग, तेरे को एक शॉट मार के जाऊंगा, लेकिन तेरे को एक शॉट मारना बनता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा ये तोता था, ये तोता था, वही मैं देख रहा हूँ। आ जा भाई, तूने मेरे पे हाथ उठाया बहुत सूरत। ओए इसने मुझे ट्राइडेंट दिया, भाई मैं कितना ज्यादा लकी हूँ यार, लाइक लिटरली अगर तुम लोग यहाँ पे 100-150 राउंड्स को मारोगे ना तब जाके तुमको एक ट्राइडेंट मिलता है, इसने मुझे ऑलरेडी दे भी दिया, वाओ आई एम सो लकी। एंड मुझे वहां पर दिख रही है नीचे पायरेट्स की शिप, ओके नाउ लेट्स गो, इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पिएंगे एक वाटर ब्रीदिंग का पोशन। यस लेट्स गो मैन, ओ माय गॉड वहां पर एक शार्क है, ओके इससे बच के जाना पड़ेगा। और ये क्या कर रही है, फिर से अपना मुंह काय को दिया हुआ भाई इसने शिप के अंदर, बड़ी अजीब है यार। ओए वहां पर एक बटन है, प्लीज शार्की प्लीज डोंट शी मी प्लीज। आ देख ले इसने मेरे को यार, इसने मुझे देख लिया पक्का, देख ले इसने मेरे को। ओके कहां गई, कहां गई, नो वेज नो वेज नो वेज नो वेज नो वेज नो वेज। ओ नीचे एक मंदिर भी है छोटा सा, ओके भागो 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 ब्रो भागो ब्रो, एकदम से आई आ रही है ना पीछे से, और मुझे एक ट्राइडेंट वाला बंदा भी दिखाया अभी अभी, भाग ले भाग ले भाग ले, जितना तेज भाग सकता है जितना तेज भाग सकता है ब्रो। देखो यहाँ पे बेवकूफ जैसी शार्क आ गई थी मुझे मारने के लिए, बिल्कुल मैं छड्डेगा नहीं है इससे, इसको मारना पड़ेगा यार। मैंने अभी तक ना किसी भी एक शार्क को जान से नहीं मारा है, तू पहली शार्क होने वाली है वो जिसको मैं जान से मारने वाला हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ यही, और इसने एक बोन ड्रॉप करी यहाँ पे। बेसिकली गाइस जो ये हमारा पूरा का पूरा मैप है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन के लिए बना हुआ है मैप, हमें यहाँ पर अंडर वाटर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यार फिर से पड़गी मेरे पीछे एक और शार्क, पक्का पड़गी गाइस मेरे पीछे, दो है भाई यहाँ पे। अभी चल क्या रहा है तुम लोगों का है, चल क्या रहा है भाई, इतनी सारी शार्क्स क्या करिए यहाँ पे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, भाग जल्दी जल्दी भाग। ओ भाई बच गया, दो शार्क्स,
ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट इसने मेरे पिछवाड़े पर अभी बाइट मार दी थी, बच गया मैं अभी। इनको तो मारना पड़ेगा रे बाबा, मारना पड़ेगा, मैं खुद भी इनके गेड़े में नहीं फंसने का रे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, एक तो मर गई, इसको अगर मैं एक मारूंगा तो शायद ये मर जाएगी। नहीं मरी, मर जाएगी, शाबाश। यार शॉक्स तो बड़ी ही गंद पा रही है गाइस, इसको वहां पर एक और क्या, इसके गेड़े में नहीं फंसना मैंने अभी, और मेरे वाटर ब्रीदिंग का पोर्शन वेस्ट हो रहा है। तेरे को इतना दिमाग नहीं है, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दे यार, थोड़ा सा करना है बस। ओए यहाँ पर क्या है, मुझे लगा चेस्ट है कोई, ओए लीवर 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 लीवर, इसको दुकान से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस कोई शार्क आ, इसने भी कोई फिर से देख लिया यार। ये देखो एक और आ गई यहाँ से, मैं दोनों जगह से गिर चुका हूँ गाइस शार्क के साथ, एंड मैं जाऊंगा इस साइड से, यहाँ पर एक और शार्क है, ये देखो। मैं अभी एक्चुअल में डर गया था यार, बिकॉज टोटम ऑफ अनडाइंग मेरा एक इस्तेमाल हो गया है, एंड मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कहाँ गया था यार। मेरा सारा का सारा सामान है वहाँ पे। वो कौन सी अंडरग्राउंड बोट थी यार जहाँ पर मैं गया था, मुझे मेरे सामान के लिए जाना पड़ेगा ना, ठीक है मैं जाऊंगा पैदल ही, भाड़ में जाए। ओ यस यस, मेरे को मेरी बोट दिख चुकी है, यहाँ पर मारा था इसने मेरे को। इतनी सारी शार्क्स है ना यहाँ पर इस एक बोट के आसपास, ऐसा भी क्या छुपा हुआ है यहाँ पर हैं? अब तो मेरे को जिज्ञासा हो रही है, अब तो मैं ढूंढने वाला हूँ मेरे सवाल का जवाब। ए देखो भाई, और आगे, कहाँ पर मरा था मैं, ओए नीचे चेस्ट है, यस नीचे चेस्ट है गाइस, एंड मेरा सारा का सारा सामान यहाँ पर फंसा हुआ है। शार्क प्लीज डोंट अटैक मी शार्क, अच्छा वही मैं देख रहा हूँ कहाँ फंसा हूँ मैं, नहीं। ऑलराइट, I'm ready now. इससे पहले कि कोई और, ओए वहाँ पर भी है, यस इससे पहले कि कोई और मुझे देखे मैं फटाफट, यस यहाँ पर बहुत सारी है यहाँ पर चेस्ट, बहुत सारी है, क्या होगा इसके अंदर, व्हाट, मैं वही देख रहा था भाई, खाली कैसे हो सकती है, 7 डायमंड्स यहाँ पर है, और यहाँ पर ये रेड स्टोन काहे को लगाई हुई है भाई, रेड स्टोन लगाने का क्या मतलब बनता है, ये वाली चेस्ट भी खाली है, वो वाली चेस्ट भी खाली है, इस चेस्ट के अंदर यहाँ पर पोटैटोज रखे हुए हैं, व्हाई पोटैटोज क्यों रखे हुए हैं भाई चेस्ट के अंदर, मतलब एक डीप ओशन है, उसके अंदर एक पायरेट की शिप है, वाओ, उसके अंदर एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर बेक पोटैटोज रखे हुए हैं। Doesn't make any sense to me. Okay, ये वाली तो मैंने यहाँ पर explore कर दी है, इसी के आसपास वो छोटा सा टेम्पल जैसा था है ना, उसके पास भी चलते हैं गाइस। ओ वहाँ पर एक ट्राइडेंट वाला बंदा है, इससे दूर, नो, देख लिया, ओ भागले, खत्म कर देगी मेरे को अभी, अरे छोड़ दे, रुक जा एक सेकेंड, पक्का ये मेरे पीछे आ रही होगी, देखो तुम लोग भाई मेरे पीछे पड़ी हुई है ये, है ना, जल्दी प्रो, हमारे पीछे पड़ी एक शाख, निकल जल्दी, आजा आंटी आजा, बाहर आके मारना चाहते हो हमको आप, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप हमको मार सकते हो, तू पानी के बीच मुझे मार सकती है मैं मानता हूँ, बट लैंड पे आके तू मुझे कभी भी नहीं मार सकती है, समझी। ओए यार इसने मेरी बोट खा ली, हद है यार, मतलब इंसान नहीं मिले तो बोट ही खाएगी तू क्या, यस यू आर डेड। अब ऐसा करते हैं गाइस, जरा किसी और बोट को यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं, उस साइड के लिए मुझे और दिख रही है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है कोई ना कोई स्ट्रक्चर पानी के नीचे, एंड एक शार्क भी दिख चुकी है, इससे भागना पड़ेगा पहले तो दूर। ओए नीचे चेस्ट भी दिखी मेरे को, यस ठीक है, वाटर ब्रीदिंग का पोशन पियो, फटाफट तैयारी मार के चलो। यस आगे, फिर से आ गई, वो ट्राइडेंट है, यस इसके अंदर कुछ खाने का सामान भी, भागो जल्दी, एक शार्क मेरे पीछे, 3-4 शार्क है भाई मेरे पीछे पड़ी, अब तो मैं गया, देयर इज नो चांस गाइस कि मैं बच सकता हूं, एंड एक डॉल्फिन मेरे आसपास गिड़िया मार रही है, आई थिंक डॉल्फिन भी अगर मुझे बचा पाएगी, जल्दी चल, क्या हो रही है, जल्दी चल ब्रो, देखो यहाँ पे, ओ भाई बच गया फिर से यार, ये शार्क्स ना भाई अलग ही टाइप का हार्ट अटैक दे देती है कई बार, भाई गॉड तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको ही मारना पड़ेगा ना, ये ऐसे बाज नहीं आएगी, अदरवाइज मेरे पीछे और पड़ती रहेगी, है ना, ओए तू यहाँ से पर... यार मतलब हद ही होगी भाई, ये तो यार बहुत ही ज्यादा खप्पी ऐसी शार्क से, ये अपने आप ही भाई ये ऊपर ही आ गई है, तुम लोग देखो, तेरे को मैं आज यहाँ से बाहर निकाल देगा, और देखो भाग रही है आंटी, भाग रही है तू, इधर आ, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं भी यहाँ से बाहर ही निकाल दूंगा फिर से, यहाँ सड़के मरेगी तू, तेरे को तो जाने ही नहीं दूंगा भाई, तेरे को मैं अंदर वापस जाने दूंगा ही नहीं, हैं बदसूरत तेरे को। अब मैंने इसको यहाँ निकाल दिया है ना,
थोड़ा और पीछे आता, शाबाश, अब तू यहीं पर रहेगी, इधर ही, और मैं जा रहा हूँ नीचे अब और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। एक और पायरेट की शिप मिली गाइस मेरे को, यहाँ चलते। ओए एक सेकंड, पायरेट की शिप तो मैंने बहुत कर दी है, यहाँ पर कुछ इन्वर्टेड चीज है, मेरे पीछे तो नहीं पड़ी कोई यार, मुझे ऐसी आवाजें आ रही है, नहीं है, यहाँ पर कुछ तो दिखा है मेरे को बेबी, इन्वर्टेड है, उल्टी गिरी हुई है ना बोट ये वाली, इसको करते एक बारी जरा। ओए वहां से नीचे देखो गाइस, यहाँ से नीचे मुझे लग रहा है ये देखो शार्क है, ये घुसी हुई यहाँ से नीचे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस इलाके में मेरे को बस। आय हाय हाय हाय, ये हुई ना बात, यहाँ पर है टोटल दो चेस्टे, ट्रेजर मैप मिला मेरे को ये, और यहाँ पर क्या है, सब कुछ बकवास है, यहाँ पर सब कुछ बकवास। ऑलराइट गाइस नाउ इट्स टाइम, हम लोग देखेंगे। ओ ये बहुत ज्यादा दूर है यार, लेकिन है ना, ये वाला जो हमारा ट्रेजर है ना, ये हमारा कुछ उस डायरेक्शन में आ रहा आगे के लिए, जिसको खोजने के लिए अभी तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं बस यहाँ पर गाइस अभी आखिरी चीज करना चाहता हूँ, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा फन आज कर दिया है यहाँ पे, वो है वो उस छोटे से टेम्पल को एक्सप्लोर करना, पता नहीं कहाँ पर मैंने वो छोटा सा टेम्पल देखा था इससे पहले, उसको एक्सप्लोर करना मैंने अब, ये रहा यहाँ पे, यस, क्या ये टेम्पल, बहुत ही छोटा सा है, कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर, है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको जरा तोड़ेंगे, लेट्स गो इनसाइड। ये क्या है भाई, ये तो वो मैग्मा क्यूब है ना, इस टेंपल के अंदर कुछ भी नहीं है, थका दिया, ये फालतू में यहाँ पर बनाया हुआ टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना, जिसने भी बनाया है ना भाई, मेरा समय बर्बाद किया तुम लोगों ने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पूरा तोड़ दूंगा, तुम लोगों की मेहनत भी मैं बर्बाद कर दूंगा, ऐसे फ्री में तो जाने नहीं दूंगा। यू नो व्हाट गाइस, आई फील वेरी बैड, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है इस शाक के बारे में सोच के, तो मैं ऐसा करता हूँ, जाने से पहले आखिरी बार इस शाक को मैं पानी के अंदर घुसेड़ देता हूँ, ठीक है शार्की, तो खुश रहे तू, अपने परिवार के साथ गेड़िया मारने जा, आखिरी पुश, एंड शार्क हमारी नदी के अंदर आ चुकी है, ये अब तो खुश है, देखो भाई इसने मेरे पर हमला भी नहीं किया, अबे हमला करी है वो, नहीं बे मैं तो बोल रहा था कि भाई इसने मेरे पे हमला भी नहीं किया, दगाबाज है भाई ये तो, दगाबाज, आई डोंट लाइक यू शार्की, आई डोंट लाइक यू, आई एम गोइंग टू किल यू नाउ, मेरे को धोखा देगी तू, धोखा देने का अंजाम होता है मौत, मर जा, और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास करने के लिए, है ना, अब यहाँ पे। ओए मैं वही देखूं भाई कौन मार रहा है मेरे को, आ! भाई तो पीछे ही पड़ गया मेरे, हेलो सर, ये कर क्या रहे, ये हमारे विलेजर्स के पीछे पड़ा हुआ है ना, देखो, ओ भाई इसने मेरे विलेजर को मार दिया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, बट अभी मैं इसके साथ नहीं भिड़ने वाला गाइस, हम लोग इसके साथ भिड़ेंगे गाइस अपने अगले एपिसोड में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो का लाइक किया गाइस 100,000 likes का, सो गाइस मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धांसुनक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय, तेरे को तो मैं मार ही दूंगा, तू टेंशन ना ले।